that you follow a timetable mostly in the very pre stage of the exam jaise ki abhi cs are ekdam darwaze pe khada hai and uh, you people are definitely the the preparation is at the peak so hamesha ye cheez behtar hai ki ek timetable bana lo maan lo ki आज अगर सोने जा रहे हो तो सोने जाने से पहले ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम टेबल चार पांच हफ्ते का बनाने बैठ जाओ that never works. कि तुम बना बैठोगे और तीन चार दिन का टाइम टेबल एक साथ बनाने के हाँ एक घंटे क्वांटम पढ़ के रख दूंगा फिर क्लासिकल फिर स्टार्ट इट विल नेवर वर्क बट यस यू कैन श्योरली मेक द टाइम टेबल फॉर जस्ट द नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे के लिए तुम टाइम टेबल बना सकते हो कि सर मैं यहां पे दो घंटे क्वांटम पढ़ूंगा फिर जितना हुआ हुआ रख दूंगा फिर क्लासिकल पढ़ूंगा फिर मैं मैथ पढ़ूंगा ऐसे करके बना सकते हो अब यहां पे अगर मान लो तुम एक सब्जेक्ट को चार घंटे दे रहे हो तो क्या होता है मैं बता रहा हूँ मोस्टली क्या होता है एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते जैसे पहला सब्जेक्ट उठाते हैं तो डेफिनेटली स्पीड काफी हाई रहता है अब जैसे ही टाइम जाता जाता है तो उसका हम लोग डीएक्सरेट करते रह जाते हैं और उसके बाद एक टाइम के बाद मोटिवेशन चला जाता है और फिर बहुत स्लो हो जाते हैं और फिर एक दिन के लिए जो पूरा टाइम टेबल बनाए हुए हैं कि मान लो क्वांटम पढ़ लिया उसके बाद क्लासिकल था उसके बाद स्टार्ट पढ़ना था वो बाद के सब्जेक्ट होते ही नहीं है सिर्फ तुम पूरा मान लो मैथ तक अगर पढ़ भी हो क्वांटम पढ़ने के बाद अगर क्लासिकल तक पढ़े भी हो फिर बात का सब्जेक्ट छूट जाता है सो द फैक्ट इज यू शुडंट स्टे विथ वन सब्जेक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दैट विल मेक यूर सेल्फ बोर So, it is very important that you have a test series a mock test because that is very important for your competitive exams. No matter how much intelligent you are, no matter how much concept you are, if you don't know that how to solve questions, even more number of questions within a proper period of time without doing silly mistakes, you can never crack CSR. Don't happen. So, it is very important that you are accustomed with the process that if this is the time, then I have to. सोल्व द क्वेश्चन विदाउट डूइंग सिल्स एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन मोस्टली आई आई डोंट नो लाइक हाउ मेनी ऑफ पीपल यू आर लाइक जिन जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेपरेशन करते हैं मोस्टली एस एस सी सी जेल वगैरह या जो भी हो इस सब टाइप के एग्जाम देते हैं तुम लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन जो है मोस्टली नाइन्थ टेंथ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं मैथ या इंग्लिश वगैरह जो होता है बट डू यू नो वाई इट इज सो टफ वाई इट इज वेरी मच कॉम्पिटिटिव

कि अगर तुम्हारे पास एक सर्टन स्पीड नहीं है और एक अगर सर्टन एक्यूरेसी नहीं है मान लो एक प्रॉब्लम बहुत सॉल्व किया बाद में जाके देख रहे हो कुछ इधर उधर गलती हो रहा है और उसके बाद वो पूरा प्रॉब्लम में हो गया तो दैट होल मार्क्स तो गया ही गया उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी हो गया ट शॉर्ट ऑफ थिंग शुड एन इन एग्जाम तो ये कैसे होता है मोस्टली जितना सॉल्व करोगे जितना तुम कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिनको आई एम वेरी इंटेलिजेंट मैं वहां पे बैठ के वो इंटीग्रेशन सॉल्व कर लूंगा बट द फैक्ट इज कॉम्पिटेटिव एग्जामेश रिमेबर फ्राम एट होम वो अगर तुम्हें पता है तभी जाके जैसे कि मान लो इंटीग्रेशन ऑफ uh, अगर तुम्हें ऐसा दिया जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो बाई टू या हमारे पास जो गामा फंक्शन के इंटीग्रेशन होते हैं या जो कुछ इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं मैंने तुम लोग को बहुत बार पढ़ाते वक्त भी बताया है कुछ इंटीग्रेशन जैसे जो होते हैं ई टू दावर ऑफ माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी या कुछ इंटीग्रेशनोर्स इट इज रूट पाई बाई ए कुछ इंटीग्रेशन आते ऐसे होते हैं पावर ऑफ एम इंटू ई टू दी पावर ऑफ माइनस बी इंटू एक्स टू दी पावर ऑफ एन डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ऐसे करोगे सो दिस ऑफ इंटीग्रेशन यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज इक्वल्स टू वन बाई एन गामा ऑफ एम प्लस वन डिवाइडेड बाई एन इंटू बी टू दी पावर ऑफ एम प्लस वन डिवाइडेड बाई एन दिस इज एक्चुअली द फैक्टर

क्योंकि जब एग्जाम के क्वेश्चन बनाए जाएंगे एक्सपेक्ट यू टू नो दिस मान लो अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन गेट में भी आए हैं अगर मान लो तो गोशियन वेव फंक्शन दे देते हैं, और बोलते हैं X, PX, square, square, तो वहां पर जो इंटीग्रेशन होते हैं उस पर जान छूट जाते हैं, कर, करते करते तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो तुम्हें जानना पड़ेगा तो ये सब चीजें हैं एंड यू हैव टू टेक द प्रिपरेशन लाइक दैट तो बाई दिस वे यू कैन जस्ट मेक अ टाइम टेबल कि मुझे ये सब चीजें रिविजन भी करना है इसका थ्योरी इतना रिविजन करना है क्योंकि अभी जो तुम टाइम टेबल बनाओगे उस टाइम टेबल में तुम कुछ नए चीज ऐड कर सकते हो कि मैंने ये नहीं पढ़ा है ये मुझे पढ़ना है एग्जाम से मान लो पंद्रह दिन आगे या बीस दिन आगे जो टाइम टेबल बनाओगे वहां पे कुछ नया चीज नहीं पढ़ना है जितना पढ़े हो उसको ही फिर से रिविजन करना है क्योंकि एक चीज यू ऑलवेज शुड रिमेंबर रीडिंग अ सब्जेक्ट मे बी इजी रीडिंग अ सब्जेक्ट में बी इजी बट जितना ये सी एस आर के दौरान तुम जो सिलेबस कंप्लीट करते हो आधे से ज्यादा स्टूडेंट रिविजन नहीं कर पाते हैं तो ये रिविशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ़ यू डोंट रिमेंबर इफ यू डोंट रिवाइज द होल ऑफ फैक्ट डजेंट मैटर तुमने कितना सिलेबस पढ़ लिया है हो सकता है कि तुम्हें वो चीज़ आते हो बट जब तक वो तुम रिवाइज नहीं करोगे उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे बार बार से रिवाइज नहीं करोगे ऐसे मैंने बहुत बार होते हैं कि हमारे क्लास के स्टूडेंट मेरे पास आके बोलेंगे सर सब कुछ समझ में आता है मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा या जब मैंने क्लास में सॉल्व किया था हो जाएगा बट जब क्वेश्चन में आते हैं वो

तो अगर एक घंटे के एक घंटे के टाइम में तो क्वांटम पढ़ रहा है छोड़ रहा है फिर क्लासिकल फिर उसके बाद स्टार्ट फिर उसके बाद एम तो इससे क्या हो रहा है कि तेरे दिमाग के, दिमाग को ये एक सिग्नल मिल रहा है कि यू आर डूइंग ऑल द सब्जेक्ट और यू आर गेटिंग कंफर्टेबल विद द इन्फॉर्मेशन और विद द विदार्मलाज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट इन द सेम डे तो ये चीज जब तुम ऐसे रिवाइज नहीं करोगे तब तक ये चीज पॉसिबल नहीं है दूसरी बात आ, कि हाउ टू स्टडी कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली स्टडी uh, करने का एक तो चीज है कि नीड द फैक्ट इज अनलेस यू फील द नीड यू कैन स्टडी कंसिस्टेंट दूसरी बात जो है कंसिस्टेंटली स्टडी करने के लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है वो है तुम्हारा नींद द फैक्ट इज इफ यू स्लीप वेल यू कैन वर्क वेल अगर तुम ठीक से सो नहीं रहे हो चार घंटे पांच घंटे सोने के बाद तुम सोच रहे हो कि पूरा फोड़ दूंगा नहीं होगा एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा जो तुम पढ़े हो तुम वो भी भूल जाओगे ठीक है और ये चीज होता है ये मैंने खुद देखा है इट इज नॉट अ इट इज नॉट अ इट इज नॉट अ प्रोडक्टिव वे ऑफ डूइंग द प्रिपरेशन प्लीज हैव अ प्रॉपर स्लीप एंड हैव सम ट्राई टू हाइड्रेट योर सेल्फ प्रॉपरली हमेशा जब पढ़ने बैठ रहे हो तो एक पानी का बॉटल साथ में रखा करो कीप हाइड्रेटिंग योर सेल्फ दैट विल इंक्रीज योर एनर्जी एंड ऑफकोर्स नॉट ओनली एनर्जी रादर योर पॉजिटिव एनर्जी क्योंकि पानी बहुत अच्छा काम करता है तो इफ यू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड इफ यू आर टेकिंग अ प्रॉपर स्लीप एटलीस्ट मिनिमम ऑफ अभी के टाइम पे मैं बोलूंगा नहीं आठ घंटे नए घंटे सो जाओ अगर मिनिमम ऑफ इफ यू कैन स्लीप फॉर एटलीस्ट जस्ट वेट फॉर अ इफ यू कैन स्लीप एटलीस्ट फॉर इफ यू कैन स्लीप एटलीस्ट फॉर सेवन टू एट आवर्स टू आवर्स या अगर हो सके तो सेवन आवर्स अगर तुम सो रहे हो तो दैट इज फाइन सात घंटे का नींद अगर तुम ले रहे हो उसके बाद जो पूरा दिन है तुम्हें और कुछ नहीं करना है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और सिस्टमेटिकली पढ़ना है देन एवरीथिंग इज इन योर हैंड Then everything is in your hand, तो ये सब चीजें कोशिश करो और कंसिस्टेंट स्टडी का एक उपाय है अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है किस का नींद एक साथ नहीं ले हो मान लो कि पांच घंटे का सो लिया उसके बाद पढ़ते पढ़ते कभी नींद आ गया तो एक घंटे का या डेढ़ घंटे का पावर नैप ले लिया ऐसे भी हो सकता है क्योंकि स्लीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग योर सेल्फ तो दिस दिस सॉर्ट ऑफ थिंग वर्क ठीक है और अगर थोड़ा सा अगर और ज्यादा मतलब चाहिए चाहिए कि सर नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा नींद आता है मुझे तो थोड़ा सा तुम लोग इस टाइम के लिए बोलोगे बट प्लीज डोंट गेट एडिक्टेड टू इट अ वेरी बैड हैबिट दैट इज थोड़ा सा कॉफी के ऊपर इंक्लाइन हो सकते हो बट हाँ से सर के दो महीने पहले तक ही क्योंकि मैं अपने टाइम पे यह चीज़ करता था मुझे काफी हेल्प अब मैं अभी भी करता हूँ मुझे अगर नींद की जरूरत होता है तो मैं ब्लैक कॉफ़ी वगैरह बना लेता हूँ और मैं वही खाता हूं तो इट इज गुड बट ये एडिक्शन अच्छा नहीं है प्लीज डोंट गेट एडिक्टेड टू दैट क्योंकि मैं चाहूंगा तुम एडिक्टेड ना हो जाओ ठीक है तो बाकी तो ये सब चीजें है ही अब तुम लोग को मतलब मैं बता बता के थक गया हूं क्या कितना तुम लोग पढ़ोगे कितना करोगे डेफिनेटली अगर तुम्हारे अंदर मतलब हंगर है इफ यू आर स्टारविंग सो डेफिनेटली तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए तुम सिर्फ पढ़ोगे हाँ आई एम टेलिंग यू द स्ट्रेटेजी जो स्ट्रैटेजी है कि मॉक टेस्ट दो एक टाइम टेबल मान के पढ़ाई करो बस और क्या है ज़्यादा दिन के लिए नहीं है बस थोड़ी दिन कर लो उसके क्रैक कर लो उसके बाद बस के बाद डेफिनेटली उसके बाद प्रोसेस और ज्यादा टफ होने वाले हैं उसके बाद प्रोसेस इजी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है उसके बाद इंटरव्यू का प्रेपरेशन फिर कौन सा कॉलेज मिलेगा उसके बाद अगर तुम पीएचडी शुरू करो तो डेफिनेटली पीएचडी का प्रेशर तो ये सब चीजें तो है बट हां इसमें एक मजा भी है एटलीस्ट तुम्हारे पास एक सुकून होगी यस आई एम डूइंग समथिंग अदरवाइज वॉट यर डूइंग विथ योर लाइफ एक काम के अंदर अगर स्ट्रेस आ रहा है तो उस स्ट्रेस में एक सुकून है बट तुम्हारे पास अगर काम नहीं है पैसा नहीं आ रहा है तो वो जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस में सुकून नहीं है भाई

That doesn't count. It doesn't count. count. So, tough so, as as are, exam crack break family, family. So, this is the way to थोड़ा सा बता दू एक चीज में थोड़ा सा बता दू जरा यहाँ पे देख लो यहाँ पे दिस इज We वी आर सेलिब्रेटिंग world's वर्ल्ड बुक्स डे आई एफ एयर्स पब्लिकेशन तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहां पर कुछ डिस्काउंट दिए गए हैं अगर मान लो तुम एक इंडिविजुअल बुक ले रहे हो इफ्यर टेकिंग ऑनलीवि बुक थर्टी परसेंट डिस्काउंट विलयर बट यू हैव टू यूज द प्रोमो कोड बुक थर्टी इफ यू आर टेकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुकली फोर्टी परसेंट डिस्काउंटेड एंड ऑफकोर्स यूज द प्रोमो कोड बुक फोर्टी एंड इफ If you are taking the complete book set, so 50% discount will be provided. If you are taking the complete book set, then 50% discount will be provided. But yes, given that you have to use the promo code book50. That's all. And uh, this offer is a limited period offer. So you have to hurry up. The last date of this offer is 25th of April. Today is 19th, 25th. टिल्वेंटी फिफ्थ दिस ऑफर इज वैलिड तो जो भी लोग सोच रहे हो कि हाँ तुम्हें बुक्स लेने हैं और हाँ एक बात बता कि इसका कोई डिलीवरी चार्ज तुम्हें पे नहीं करना है तुम्हें सिर्फ बुक खरीदना है डिलीवरी चार्ज वगैरह वहाँ फिज देख वो उनका खुद का खर्चा है तो दिस इज इट और बाकी अगर तुम्हें कोई इंक्वायरी है तो यहाँ पे एक नंबर है मैं नंबर पढ़ देता हूँ नंबर रीच जाए सेवन जीरो फाइव एट सिक्स सेवन थ्री वन फाइव सेवन सेवन जीरो फाइव एट सिक्स सेवन थ्री वन फाइव सेवन तो इस नंबर पे अगर तुम्हारा कोई इंक्वायरी है यू कैन प्लेस योर इंक्वायरी बाकी तो यही चीज है प्लानिंग फॉर द बुक्स तो तुम लोग बुक्स खरीद सकते हो बाकी ऑल द बेस्ट डू योर प्रेपरेशन कुछ चीज मत दे कुछ इधर उधर आ, कान मत दे ना व्हाट्सएप ना इंस्टाग्राम डोंट गो फॉर एग्जाम क्रैक कर लो उसके बाद सब कुछ है कोई कहीं नहीं जा रहा है बस तो एग्जाम दे ले अच्छे से ठीक है ऑल द बेस्ट